नमस्कार, मैं हूं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 6 अगस्त। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कैबिनेट की बैठक में इन महत्वपूर्ण एजेंडों पर लगी मुहर। स्टार्टअप पॉलिसी के साथ जुड़े यह नए आदेश। नदियों द्वारा लाए गए गाद का बिहार सरकार करेगी प्रबंधन। पंचायत प्रतिनिधियों के मासिक भत्ता के लिए इतना करोड़ रुपया हुआ स्वीकृत। वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी रोहित आर्मी। अब चलिए बढ़ते हैं अब तक की बिहार की 25 बड़ी खबरों के विस्तार से। कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण एजेंडों पर लगी मुहर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बीते दिन देर शाम कैबिनेट की बैठक की गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कुल 23 एजेंडों पर मुहर लगाया, जिसमें कई महत्वपूर्ण एजेंडा शामिल हैं। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने बिहार में बढ़ते साइबर क्राइम के मामले को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है, जिसके अंतर्गत 11 जगहों पर इसके शिकायतों के निबंधन के लिए कार्यालय खोले जाएंगे। वहीं आर्थिक अपराध इकाई में पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों के कुल 405 पदों के सृजन की भी स्वीकृति दी गई है। इसके साथ साथ बिहार में भू संपदा नियमावली 2017 में संशोधन, पटना उच्च न्यायालय के डिजिटलाइजेशन कोषांग के गठन के लिए 5 वर्षों के लिए अस्थायी रूप से सृजित 62 पदों का अगले 5 वर्षों के लिए अवधि विस्तार और स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर सजावार बंदियों को विशेष परिहार का लाभ देकर कारामुक्त करने की स्वीकृति सहित 23 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। बिहार की पहचान में आज हम बात करेंगे कबीर कौशिक की। बिहार की धरती पर जन्म लिए अनेकों हस्तियों ने अपने टैलेंट और प्रतिभा के बदौलत देश और विदेशों में बिहार का नाम रोशन किया है। इसी में से एक हैं कबीर कौशिक। कबीर कौशिक एक भारतीय फिल्म निर्देशक हैं, जो कि मुख्य तौर से हिंदी सिनेमा में सक्रिय हैं। उनका जन्म बिहार के पटना जिले में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पटना से हुई। उच्च शिक्षा के लिए वे दिल्ली गए, जहाँ उन्होंने फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। कबीर अब तक कई फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। उन्होंने 2005 में सेहर के साथ शुरुआत की और मैगजीन आदि फिल्मों में काम किया। नदियों द्वारा लाए गए गाद का बिहार सरकार करेगी प्रबंधन। नदियों द्वारा अत्यधिक कटाव की वजह से नदियों का धारा बदल रहा है, जिसकी वजह से उत्तर बिहार के इलाकों में बाढ़ की समस्या बढ़ती जा रही है। वहीं गाद के कारण नदियों का तल ऊंचा होने से गेज भी सही जलस्तर की जानकारी नहीं दे रहा है। नदी तल लगातार ऊपर बढ़ रहा है, जिससे कम पानी में ही नदियों में उफान आ जाता है। वहीं मुख्य सचिव ने गाद की समस्या को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की है। इसमें सभी विभागों को इससे निपटने के लिए कार्य योजना बनाने का टास्क भी सौंपा। उन्होंने कहा था कि नदियों में जितनी मात्रा में गाद है, पहले उसका आकलन किया जाए और फिर उसके उपयोग का खाका तैयार किया जाए। वहीं इसकी जिम्मेवारी खान भूतत्व विभाग को सौंपी गई है। स्वास्थ्य विभाग में मंकी पॉक्स को लेकर दिया जा रहा है प्रशिक्षण। कोरोना संक्रमण का खतरा कम हुआ नहीं कि मंकी पॉक्स के खतरे ने आम से खास लोगों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग ने एहतियाती तौर पर गाइडलाइन जारी कर दी है। आपको बता दें कि विभाग संक्रमण के सर्विलांस एवं जाँच पर विशेष जोर दे रहा है। इसके लिए हर जिले में माइक्रोबायोलॉजिस्ट और लैब टेक्नीशियन को पटना में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि बिहार से अब तक कोई संक्रमित नहीं मिला है। इसे घबराने की जरूरत नहीं है, जरूरी है कि इसे लेकर एहतियात बरतें। इंडियन नेवी विभिन्न पदों पर निकाली भर्तियां। इंडियन नेवी हेडक्वार्टर अंडमान एंड निकोबार कमांड ने ट्रेड्समैन मीट के विभिन्न ट्रेड में कुल मिलाकर 112 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इन पदों के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को मैट्रिकुलेशन के साथ ही संबंधित ट्रेड में ITI पास होना जरूरी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 6 सितंबर 2022 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.indiannavy.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। स्टार्टअप पॉलिसी के साथ जुड़े यह नए आदेश। बिहार में स्टार्टअप पॉलिसी में एक और नए आदेश जुड़ गया है। दरअसल अब स्टार्टअप पॉलिसी के लिए आवेदन के साथ साथ अब आवेदनकर्ता को अपने आइडिया की जानकारी 2 से 5 मिनट के संक्षिप्त वीडियो में देनी है। जी हाँ, वहीं बगैर वीडियो के आप उनका आवेदन लंबित रखा जाएगा। इससे उनका मूल्यांकन करने वाली टीम को यह जानकारी मिल सकेगी कि वह किस स्तर पर अपने प्रोजेक्ट को लेकर गंभीर हैं, बाजार में उसकी संभाव्यता किस तरह है। वीडियो देखने के बाद ही उसके दस्तावेज का अध्ययन होगा।
आखिर कैसे पढ़ेगा बिहार? प्रधानाध्यापक की परीक्षा में 97% अभ्यर्थी फेल। बिहार के सरकारी विद्यालयों में शिक्षक का पढ़ाई का लेवल क्या है, इसी से पता लगा सकते हैं कि 6421 सीटों पर उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक की बहाली के लिए महज 421 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए हैं, बाकी के 6000 फिर से रिक्त रह गए हैं। गुरुवार को बीपीएससी ने पहली बार आयोजित हेडमास्टर परीक्षा का रिजल्ट जारी किया, जिसमें 97% अभ्यर्थी फेल हो गए हैं। मात्र 3.22% शिक्षक ही बीपीएससी की यह परीक्षा पास कर पाए, जिनको अब सरकारी स्कूलों में हेडमास्टर के पद पर तैनात किया जाएगा। हैरत की बात तो यह है कि इनमें से 87 अभ्यर्थी ऐसे भी थे जिन्हें ओएमआर शीट तक नहीं भर सके। दुर्भाग्यवश बीपीएससी की इस परीक्षा से भरे जाने वाले हेडमास्टर के 94% पद खाली रह गए हैं, क्योंकि परीक्षा में बैठे टीचर क्वालिफाई ही नहीं कर सके। लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर इस दिन होगी कोर्ट में सुनवाई। बिहार में फरवरी 2022 से ही लोकायुक्त और अन्य सदस्यों के पद खाली पड़े हैं। फरवरी 2022 में लोकायुक्त श्याम किशोर शर्मा इस पद से सेवानिवृत्त हुए, उसके बाद से ये पद रिक्त पड़ा है। मालूम हो कि लोकायुक्त का गठन 1973 में सरल व त्वरित न्याय दिलाने के लिए की गई है। वहीं फरवरी से खाली इन पदों को भरने के लिए दायर जनहित याचिका पर पटना हाईकोर्ट में चल रही है, जिसकी सुनवाई चीफ जस्टिस संजय करोल की वेटरन फोरम द्वारा टाल दी गई है। अब यह सुनवाई 11 अगस्त को होगी। ककोलत वाटरफॉल में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ। ऐतिहासिक और पौराणिक संदर्भों से युक्त ककोलत एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी के निकट बसा हुआ एक झरना है। यह झरना बिहार राज्य के नवादा शहर से 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गोविंदपुर पुलिस स्टेशन के निकट स्थित है। नवादा जिले के गोविंदपुर में आकर यहां आप 150 फीट की ऊंचाई से गिरने वाले ककोलत वाटरफॉल्स का लुत्फ उठा सकते हैं। इस झरने के संबंध में एक पौराणिक आख्यान काफी प्रचलित है। इस आख्यान के अनुसार त्रेता युग में एक राजा को किसी ऋषि ने श्राप दे दिया। श्राप के कारण राजा अजगर बन गया और वह यहाँ रहने लगा। कहा जाता है कि द्वापर युग में पांडव अपना वनवास व्यतीत करते हुए यहाँ आए थे। उनके आशीर्वाद से इस श्रापयुक्त राजा को यातना भरी जिंदगी से मुक्ति मिली। श्राप से मुक्ति मिलने के बाद राजा ने भविष्यवाणी की कि जो कोई भी इस झरने में स्नान करेगा वह कभी भी सर्प योनि में जन्म नहीं लेगा। साइबर ठगों से जुड़े पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। जैसे जैसे हम सभी डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे साइबर ठगों की संख्या भी बढ़ रही है। इसी कड़ी में साइबर क्राइम का गढ़ बन रहे नालंदा के एक आरोपी को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसने पुलिस के सामने चौंकाने वाला खुलासा किया है। दरअसल 4 अगस्त को पत्रकार नगर थाना के अविनाश कुमार द्वारा विशेष छापेमारी के क्रम में एक स्कूटी सवार युवक को संदेह के आधार पर रोका गया। इस दौरान पुलिस को उसके बैग से 2.5 लाख रुपये नकद मिला। नकद के बारे में पूछताछ पर युवक विकास चौधरी ने बताया कि वह नालंदा जिले के सोरडीह तिलमरह का पेशेवर साइबर गिरोह का सक्रिय सदस्य है। अब पुलिस उसकी जाँच कर रही है। पंचायत प्रतिनिधियों के मासिक भत्ता के लिए इतना करोड़ रुपया हुआ स्वीकृत। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को भत्ता हेतु 74,58,00,000 राशि व्यय की स्वीकृति दी गई है। आपको बताते चले कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में जिला परिषद अध्यक्ष को मासिक भत्ता 12,000, जिला परिषद उपाध्यक्ष को 10,000, समिति प्रमुख को 10,000, पंचायत समिति उप प्रमुख को 5,000, ग्राम पंचायत मुखिया 2,500, ग्राम पंचायत उप मुखिया को 1,200, ग्राम कचहरी सरपंच को 2,500, ग्राम कचहरी उप सरपंच को 1,200, जिला परिषद सदस्य 2,500, पंचायत समिति के सदस्य को 1,000, ग्राम पंचायत सदस्य को 500 एवं ग्राम कचहरी सदस्यों यानी कि पंच को 500 दे रहा है। अग्निपथ विरोध में दंगा भड़काने में संलिप्त अपराधी का एसपी ने किया बड़ा खुलासा। अग्निपथ योजना को लेकर किए गए विरोध प्रदर्शन में आरोपियों को लेकर बड़ा खुलासा किया गया है। मालूम हो कि अग्निपथ योजना के विरोध में बिहार में कई ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया था। इसी मामले की जांच पड़ताल में बड़ा खुलासा किया गया है। आपको बता दें कि हाल ही में पुलिस की गिरफ्त में आए एक नक्सली से हुई पूछताछ में इसका खुलासा हुआ है। लखीसराय के एसपी पंकज कुमार के अनुसार नक्सली मनश्याम दास उर्फ राहुल उर्फ सुदामा उर्फ सुरेश दास से हुई पूछताछ में उसने इस साजिश का खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि लखीसराय में ट्रेनों को जलाने के पीछे नक्सलियों का हाथ था।
रानी चटर्जी के वर्कआउट वाली तस्वीर को मिल रहा खूब सारा प्यार। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा रानी चटर्जी ने एक जिम वाली एक फोटो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से साझा की है, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। रानी चटर्जी ने हाल ही में अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें साझा की हैं। इन तस्वीरों में वह वर्कआउट के बाद पसीने से तरबतर नजर आ रही हैं। रानी चटर्जी ने इंस्टाग्राम पर इन तीन तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वह अपना सिंपल लुक फ्लॉन्ट कर रही हैं। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए रानी ने कैप्शन में लिखा कि मैं पानी पानी हो गई। इसके साथ उन्होंने हैशटैग मेहनत का पसीना और वर्कआउट मोटिवेशन भी लिखा है। बिहार से मॉनसून हुआ शिफ्ट, तापमान में होगी बढ़ोतरी। प्रदेश में पिछले दिनों जिस तरह से बारिश हुई, उसके बाद एक उम्मीद की किरण जगी थी कि प्रदेश में मॉनसून एक्टिव हो गया है, लेकिन प्रदेश में जिस तरह की स्थिति है उसके बाद से मौसम विभाग ने बारिश होने की तमाम संभावनाओं से इनकार कर दिया है, जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि इसका असर अब खेती किसानी पर पड़ने वाला है। बता दें कि प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां सुखाड़ जैसे हालात हैं। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून अब एक बार फिर से कमजोर पड़ने लगा है। बताया जा रहा है कि टर्फ लाइन मध्य भारत की ओर शिफ्ट हो गया है, इससे पूर्व भारत में बारिश की संभावना अब बहुत कम हो गई है। खासकर प्रदेश के दक्षिण के जिलों में नवादा, नालंदा, शेखपुरा, औरंगाबाद, रोहतास में इन दिनों सूखे जैसे हालात हैं। जमीन से 11 मीटर ऊपर होगा राजेंद्र नगर का मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन। पटना में मेट्रो का काम जोर शोर से चल रहा है, जिसे 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पटना मेट्रो के कॉरिडोर 2 पटना स्टेशन पाटलिपुत्र बस टर्मिनल के तहत बनने वाला एलिवेटेड मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन आबादी के मामले में एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कॉलोनी कंकड़बाग को मेट्रो कनेक्टिविटी मुहैया कराएगा। यह मेट्रो स्टेशन जमीन से लगभग 11 मीटर ऊपर प्लेटफॉर्म पर तैयार होगा, जिसमें 4 लिफ्ट और 8 एस्केलेटर के साथ 2 प्रवेश और 2 निकास द्वार की सुविधा होगी। जून 2025 तक इस रूट पर परिचालन प्रारंभ किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। आज होगा उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव। देश में आज उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। इस समय हमारे देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हैं, जिनका कार्यकाल 10 अगस्त को पूरा हो रहा है। वहीं अब उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 2 उम्मीदवार विपक्ष की तरफ से भारत के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस की नेता मार्गरेट अल्वा के नाम का ऐलान किया गया। वहीं पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ के मुकाबले विपक्ष की ओर से पूर्व गवर्नर को मैदान में उतारा गया है। वहीं 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए इलेक्टोरल कॉलेज में राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य और लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य आज उपराष्ट्रपति के चयन के लिए वोट करेंगे। बिहार में डीजल अनुदान में की गई बढ़ोतरी। डीजल अनुदान को लेकर बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। डीजल पर पहले मिलने वाले अनुदान की राशि 60 रुपये से बढ़ाकर 75 रुपये लीटर करने का फैसला लिया गया है। आपको बताते चले कि किसानों को खेतों में सहायता करने के लिए बिहार सरकार द्वारा डीजल अनुदान योजना की शुरुआत की गई थी। यह योजना मुख्य रूप से खरीफ की फसलों में होने वाली परेशानियों के लिए शुरू की गई है। अनुदान की राशि बढ़ाने पर कैबिनेट की मुहर लग चुकी है। बिहार से गुजरने वाले एनएच पर हर 15 किलोमीटर के रेंज में लगाए जाएंगे कैमरे। बिहार से गुजरने वाले 1400 किलोमीटर के 5 एनएच पर करीब 144 हॉटस्पॉट हैं, जहां सबसे अधिक दुर्घटनाएं होती हैं। इनमें एनएच 2 का वाराणसी औरंगाबाद, एनएच 28 का छपरा बेतिया लौरिया बघा, एनएच 30 का पटना बख्तियारपुर, एनएच 31 का बड़ौनी मुजफ्फरपुर पिपरा कोठी और एनएच 57 का मुजफ्फरपुर दरभंगा पूर्णिया खंड शामिल हैं। हालांकि अब इन 5 हाईवे पर सड़क दुर्घटना रोकने के लिए आधुनिक उपकरणों की मदद ली जाएगी। इसी कड़ी में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद की अध्यक्षता में पिछले दिनों हुई सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में दुर्घटनाओं को रोकने के उपायों पर चर्चा की गई। 5 एनएच पर पहले चरण में प्रत्येक 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्पीड गन, कैमरा, चालान की प्रति तैयार करने के लिए आवश्यक उपकरण आदि लगाने का निर्देश दिया गया है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी चित्तरंजन दास और अन्य कांग्रेसी नेताओं ने मिलकर वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशन 1906 में प्रारंभ किया। भारत और ऑस्ट्रेलिया में 2001 को आर्थिक समझौता हुआ। भारत और पाकिस्तान में तनाव के कारण ऑस्ट्रेलिया ने 2002 में पाकिस्तान से अपने नागरिकों को वापस बुलाया। स्वतंत्रता सेनानी तथा गुजरात और मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल के एम चांडी का जन्म 1921 को हुआ था। भारत के 5वें लोकसभा अध्यक्ष
कोच गुरदयाल सिंह ढिल्लों का जन्म 6 अगस्त 1915 को हुआ था। भारतीय क्रिकेटर एजी कृपाल सिंह का जन्म 1933 को हुआ था। भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता राजेंद्र सिंह का जन्म 1959 को हुआ था। भारतीय अमेरिकी फिल्म निर्देशक एम नाइट श्यामलन का जन्म 1970 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेता सर सुरेंद्र नाथ बनर्जी का निधन 1925 को हुआ था और आज ही के दिन हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर घर तिरंगा अभियान को नौटंकी बताने वाले तेजस्वी यादव पर शाहनवाज हुसैन का पलटवार। देश भर में प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, जिस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कटाक्ष करते हुए कहा था कि ये सब नौटंकी है। इस पर पलटवार करते हुए उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि तिरंगे का मतलब वह क्या जाने, हम तो तिरंगे के लिए जान दे सकते हैं। उन्होंने मीडिया से कहा कि जम्मू कश्मीर में एक विधान एक निशान की नींव रखने वाले हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जान की आहुति तक दे दी थी। हम तो तिरंगे के लिए जान तक देने वालों में से हैं। वह हमें क्या आदर्श देंगे जिन्हें पता नहीं है कि हमारा समर्पण क्या है। रेलवे स्टेशन पर खत्म होगी यह सुविधा। रेलवे ने एक बड़ा फैसला लेते हुए रेलवे स्टेशनों का पूछताछ काउंटर को खत्म करने वाली है। दरअसल पूछताछ काउंटर की जगह अब सहयोग काउंटर खोलने की प्लानिंग चल रही है। इंडियन रेलवे एक ही छत के नीचे सभी तरह की सुविधाएं मुहैया कराने की योजना के तहत ढांचागत बदलाव करने जा रहा है। पटना जंक्शन समेत देश के तमाम रेलवे स्टेशनों पर पुराने मॉडल के तहत कार्यरत पूछताछ केंद्र को बंद किया जाएगा और उसकी जगह सहयोग काउंटर खोला जाएगा। उबर ऐप इंस्टॉल किए बिना व्हाट्सएप से कर सकते हैं कैब बुक। क्या आपको पता है कि आप अपने व्हाट्सएप ऐप से भी ऑनलाइन कैब बुक कर सकते हैं? जी हाँ, अगर आप कैब का नियमित इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल व्हाट्सएप पर अब उबर राइड को बुक किया जा सकता है। कैब कंपनी उबर जल्द ही इस नए ऑप्शन को व्हाट्सएप के लिए रोल आउट करने वाली है। उबर इस नए कैब बुकिंग सर्विस को दिल्ली NCR के लिए अगस्त के पहले हफ्ते से ही जारी करने की तैयारी में है। इस फीचर की सबसे पहले पिछले साल दिसंबर में लखनऊ शहर में टेस्टिंग की गई थी। बता दें कि अगर यह प्रयोग सफल हो जाता है तो इसके बाद आपको उबर के ऐप को अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी। आप केवल व्हाट्सएप के इस्तेमाल से ही कैब को बुक कर पाएंगे। वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी रोहित आर्मी। वेस्टइंडीज दौरे पर भारत बनाम वेस्टइंडीज T20I सीरीज का चौथा मैच आज यानी 6 अगस्त को सेंट्रल ब्रोवार्ड रीजनल पार्क फ्लोरिडा में रात 8 बजे भारतीय समयानुसार खेला जाना है। रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे है और अब चौथे मैच को भी जीतकर रोहित की आर्मी सीरीज जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी। तीसरे T20 मुकाबले में भारतीय टीम ने सलामी बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने 76 रनों की तूफानी पारी की बदौलत से वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हरा दिया और सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली थी। कश्मीर हमले में जान गंवाने वाले मजदूर के परिजन को CM ने मुआवजा देने का किया ऐलान। एक बार फिर कश्मीर में आतंकियों ने बिहार के मजदूरों को टारगेट किया है। 2 महीने पहले जिस तरह बिहारियों को निशाना बनाया गया था, बीते दिन एक बार फिर यही दोहराया गया है। गुरुवार को बिहारी मजदूर पर ग्रेनेड से हमला किया गया जिसमें एक मजदूर की जान चली गई है। इस मामले के बाद IPRD ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पुलवामा में आतंकी हमले में बिहार के रहने वाले मजदूर मोहम्मद मुमताज की मृत्यु पर माननीय मुख्यमंत्री मर्माहत हैं। मुख्यमंत्री ने मोहम्मद मुमताज के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। बिहार में कोरोना के मामले 200 के पार। बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 212 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 1022 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 11, अरवल में 11, औरंगाबाद में 4, बांका में 1, बेगूसराय में 3, भागलपुर में 12, बक्सर में 1, दरभंगा में 5, गया में 10, जमुई में 4, जहानाबाद, कैमूर और कटिहार में 1, खगड़िया में 7, किशनगंज में 3, मधुबनी में 6, मुंगेर में 7, मुजफ्फरपुर में 3, नालंदा में 2, नवादा में 1, पटना में 53, पूर्णिया में 1, रोहतास में 4, सहरसा में 5, समस्तीपुर में 1, सारण में 8, शेखपुरा में 4, सीतामढ़ी में 2, सिवान में 4, सुपौल में 27, वैशाली में 2 और पूर्वी चंपारण में 1 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा 6 ऐसे मरीज की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है जो दूसरे राज्य के हैं, लेकिन सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,06,192 सैंपल की जांच की गई है। इस दौरान 250 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रामनवमी मांझी, सरोज मंडल, बासुकी पंजियाड़ा, शैलेश कुमार, विजय घायल, ओमकार सिंह, नरेश राम, रविशंकर, अजीत कुमार, मुन्ना कुमार, मोहम्मद अबुल खैर और ज्योति कुमारी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार बिहार के शिक्षा स्तर को उठाने के लिए कौन कौन से स्टेप उठाने की जरूरत है। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना है। बिहार की तमाम खबर के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़ और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।